इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका एमकेडी चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज के कुछ अहम खबरों पर। इमरोज के बड़े भाई हों भी इमरोज को बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिए, उनके सर में तलवार चाकू से मार दिए बहुत बुरी, और वो एक 8-10 जने मिल गए थे, वो उन्होंने कहीं से आ रहे थे और रास्ते में पकड़ लिए, उनको पकड़ ले गए बहुत बुरी तरीके से, सर पे, पैरों पे, घुटनों पे, और ये पैरों को हॉकी के राडों से बहुत बुरी तरीके से मार दिए। बहुत बुरी मारने की वजह क्या है? मारने की वजह नहीं है, खाली रास्ते में से आ रहे थे, कुछ बात हुई नहीं हुई मालूम नहीं, मगर आए डायरेक्ट हमला कर दिए। बात करते करते एक 8-10 बच्चे मिलके हमला कर दिए, ऊपर से चाकुओं से पैरों पे राडा मार दिए। ये सैयद अली गढ़ा मुरादनगर में हुआ। तो आप लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हैं, अभी चलने वाला है केस। तो कितने लोग जख्मी हुए इसमें? इसमें तीन जने जख्मी हुए, तो एक को तो बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, हाथ पूरा फाड़ गया उनका। तो उनकी कुछ पुरानी दुश्मनी थी क्या? नहीं नहीं, दुश्मनी तो नहीं थी पुरानी उनकी, गांजे के नशे में मार दिया उनका। एक वो भी तीन जने, उनके नामा मेरे को याद है, अकमल, अहमद और लतीफ। जो लोग थे उन लोगों में से आप जिसके ऊपर अटैक हुआ, उन लोग किसी को पहचानते थे जो मारे थे उन लोगों को? क्या है कि नहीं पहचानते थे वो लोग, ना इन्हों उनको पहचानते थे। माजिद के बेटे, उनके नाम सुने में आया। माजिद के कौन है? नहीं आइडिया नहीं है, बेटे उनके, उनके बेटे बोल के कुछ है। जो मकबरे, कौन मकबरे है कहते वहाँ के? सैयद अली गुड़े के। मेरे बच्चे के पैरों तो कुछ चलने नहीं आता बाबा, मेरे दो बच्चे के पैरों तोड़ दिए और सर में चाकू भोंक दिए मेरे बच्चे के, और वो क्या दुश्मनी नहीं थी मेरे बच्चे की, दुश्मनी नहीं थी। वो तीन जो जख्मी हुए मेरे बच्चे के दोस्त थे, बचाने गया मेरा बच्चा, खाली मेरे बच्चे की कुछ दुश्मनी नहीं है। हम किसी के अच्छे में नहीं जाते, बुरे में नहीं जाते, हमारे घर में हम अल्लाह अल्लाह बोल के बैठते। अल्लाह अल्लाह बोलने वाले बच्चे को पकड़ के मारे, कैसा होता बोलो? इंसाफ। वो बच्चा आतिफ, लतीफ, अखमल, अहम, माजिद के बेटे हैं, तीनों मिलके मेरे बच्चे को मारे, मेरे बच्चे के पैरां, जिंदगी भर कैसा करके जीना मेरा बच्चा? मेरा बच्चा काम करने वाला है। माजिद सैयद अली गुड़े का मकबर है। सजा होना। बच्चे को जिंदगी भर काम करने नहीं आता मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे के घुटनों से नीचे तक पैरां काम नहीं कर रहे मेरे बच्चे के, काम कर रहे नहीं मेरे बच्चा, बहुत सीरियस है मेरा बच्चा। मैं धक्का नहीं लगे सर का पाली हूँ मेरे बच्चों को। मैं आज बीच में मेरा बच्चा दोस्त है बोल के बीच में गए, तो बच्चे को पकड़ के मारते, बीच में गए सवालंग मारते, ऐसा इंसाफ है? मुसलमाना है, हिंदू मारे तो मैं समझती हूँ, हिंदू को इस्लाम नहीं मालूम, मारा होगा वो को समझती हूँ, मगर मुसलमान को इस्लाम मालूम है। मुसलमान का खून मुसलमान कैसा करता? मेरे बच्चे का खून चले गया, दूसरा बच्चा तो खून, दूसरे बच्चे को तो खून की ज़रूरत है। तीन जने सीरियस है मेरे बच्चे, और उनका हाल क्या करते देखो, उन लोगों को सजा दो, और मेरा बच्चा जिंदगी भर कैसा जीना, मेरे बच्चे का क्या हल करते करो। मेरे बच्चे के पूरा घुटने, तलवे, सब टांगा तोड़ दिए दो भी मेरे बच्चे के, फिर सर में चाकू भोंके। अहमद है जो हामिद और उसके दो दोस्तां गाड़ी पे जा रहे थे, जो सानवे वाले क्या है रुका के तलवारों से और हॉकी के स्टिकों से जान से मार सटने देखे उन लोगों, बहुत सीरियस कंडीशन है यहाँ पे उस्मानिया में हॉस्पिटल में उनका। कहाँ पे हुआ ये? अपना सैयद अली गुड़ा। मारने की वजह क्या है? मारने की वजह कुछ भी नहीं है, इन्हों गाड़ी पे जा रहे थे, रुका के हमला कर दिए। कितने लोग मिल गए मारे? 8-10 लोग। 8-10 जने। इन लोगों में से आप किसी को पहचानते हैं? नहीं, किसी को। उनका और अहरम और उसके दोस्तों कुछ थे, लतीफ इनो थे और इनके दोस्तों भी थे, पूरे 8-10 जने मिलके तलवारों से और हॉकी के स्टिकों से वो गांजा के नशा में मार दिए, तलवारों से हाथ पूरा, हाथ और पैर भी तोड़ दिए हमारे साले के दोस्त का। हमारे साले तो हाथ पूरा कटेगा तलवार से, वो सीरियस है जी। कुछ भी दुश्मनी नहीं है। कितने लोग जख्मी हुए इसमें? तीन जने। आप लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे आप? हाँ, कंप्लेंट करे, जो हमारे को कंपल्सरी 100% प्योर भरोसा है पुलिसों के ऊपर, कानून के हिसाब से जो उनको सजा मिलना।